हेलो डियर, स्वागत है आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति चुनाव का पूरा प्रोसेस, और इसके अंदर जो मेन चीजें होंगी समझने के लिए वो होंगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले ये दोनों चीजें जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार बता देता हूँ कि ये जो मैंने स्टेट लिया है ये है राजस्थान और ऊपर है इंडिया, हमारा प्यारा देश, ठीक है। तो इंडिया के लेजिस्लेचर के अंदर दो चीजें आती हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर एक तो लोकसभा है एक राज्यसभा है। इसी तरह हर एक स्टेट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली आती है विधानसभा और एक आती है जी विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसको भूल जाइएगा, ये सिर्फ 7 स्टेट्स के अंदर है और इसका इतना मेजर रोल होता नहीं है, ठीक है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो इसका रोल होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन वोट करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश के अंदर सबसे ऊंचा पब्लिक ऑफिस है और उसके अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब हम जिन लोगों को चूज करेंगे वो लोग उनको चूज करेंगे, जिस हिसाब से हमने लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को चूज किया है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली वालों ने राज्यसभा को चूज किया है, तो एक हिसाब से हमारे द्वारा चूज किए हुए लोग अब प्रेसिडेंट को चूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे कैसे चूज करेंगे। तो सबसे पहले तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस हरेक स्टेट की, जैसे यहां पर राजस्थान है ऐसे ही इंडिया के हरेक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और दिल्ली और पुडुचेरी ये जो दोनों यूनियन टेरिटरी हैं इनकी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इन सब की लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये सारे माइनस नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं ये भी बता देता हूं। देखो भाई प्रेसिडेंट है ना, लोकसभा के अंदर दो बंदों को नॉमिनेट करता है, दो एंग्लो इंडियन को, तो अब ये नॉमिनेटेड पर्सन ये भी अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो ये आपस में करप्शन नहीं कर लेंगे, प्रेसिडेंट बोलेगा भाई मेरे को वोट दे देना अगर मैं पावर में आ गया तो फिर मतलब अगली बार फिर तुम्हें नॉमिनेट कर दूंगा, ये है वो है, तो ये गड़बड़ हो सकती है, इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर यहां पर हिस्सा नहीं लेंगे। राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, जो कि एक्सेप्शनली अच्छा करते हैं साइंस में स्पोर्ट्स में, ऐसे अलग अलग फील्ड से जो होते हैं, तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाकी सारे लोग करेंगे। तो अब ये लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे ये आगे बता देता हूँ, और 50% प्लस 1 ये सिंपल मेजोरिटी से, जिसको भी 50% से ज़्यादा वोट मिल गई वही पर्सन प्रेजिडेंट बन जाएगा। तो अब हम खड़े करते हैं अपने कैंडिडेट और आपको दिखाते हैं ये सारा प्रोसेस, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रोसेस समझना भी जरूरी है। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो दिखाऊंगा प्रोपोर्शनल मेथड, ठीक है, बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लेकिन एक और होता है फर्स्ट, जो मतलब सबसे ज्यादा होता है फर्स्ट पास्ट द पोल, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब क्या होता है एक बार ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कर्नाटका का केस कि भाई कर्नाटका के अंदर हाल ही में 2018 में जो चुनाव हुए हैं कर्नाटका के, ठीक है, कर्नाटका के अंदर क्या हुआ कि बीजेपी और एक जगह पर थी जी कांग्रेस और एक जगह पर थी जनता दल सेक्युलर, तो बीजेपी को मिले 104 वोट, कांग्रेस को मिले 78 वोट, जनता दल सेक्युलर को मिले 38 वोट, और दो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। तो यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा सीट मिले हैं, सॉरी वोट में गलत बोल गया, सीट, पूरे स्टेट को सीट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इनको सबसे ज्यादा सीट्स मिले। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि यहां पर मान लीजिए बीजेपी अगर 50% प्लस 1 ले जाती, ठीक है, तो बीजेपी सीधी सीधी जीत जानी थी, लेकिन यहां पर ये 50% प्लस 1 नहीं लेके गई। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी को सिर्फ 36% लोगों ने वोट दिया था और कांग्रेस को जी 38% लोगों ने वोट दिया था। अब ये कैसे हो गया, मतलब ज्यादा लोगों ने वोट दिया फिर भी कम सीटें आई।
अगर गलती से ऐसे भी हो सकता है, यहां पर आएगी अब मजे की बात, ऐसे भी हो सकता था कि बीजेपी को 113 वोट मिलते, उनको कम मिलते और इनको कम लोगों ने वोट दिया होता, ठीक है। और एक और सिस्टम बता देता हूं, मान लो सिर्फ थोड़े से लोग स्टेट के अंदर वोट देने जाते, सिर्फ थोड़े से लोग, और उनके अंदर बीजेपी जीत जाती 50%+1, तो फिर भी बीजेपी जीत जाती, ठीक है। तो भाई फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये एक बार आप मुझे बताएंगे, ठीक है। 36% और 38% वाला, ये मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में डिस्कस करें कि ये कैसे हो सकता है। आप में से कोई ना कोई तो क्रैक कर ही लेगा, मेरे को पता है। अब प्रोपोर्शनल सिस्टम पर बढ़ते हैं भैया के। तो भैया हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे सामने चार कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ये चार कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो ये जो है, ये मैंने आपको दिखाया है बैलेट पेपर का डेमो, कि हर एक एमपी या एमएलए के पास, एमपी क्या होगा, पार्लियामेंट वाले बंदे, एमएलए होगा लेजिस्लेटिव असेंबली वाला पर्सन, हर एक एमपी या एमएलए के पास ऐसे बैलेट जाएगा, वो ऐसे टिक करेगा कि देखिए ये जो बैलेट है इसके ऊपर क्या टिक हुआ है, कि वो बंदा चाहता है कि सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी ए है, मैं चाहता हूं कि ए प्रेसिडेंट बने। अब वो बोल रहा है अगर ए ना बन पाए तो डी बने, ए ना बन पाए तो मेरी दूसरी प्रेफरेंस डी को जाती है, और मेरी तीसरी प्रेफरेंस बी को जाती है। अगर किसी कारण डी भी ना बन पाए तो बी बने, और किसी कारण बी भी ना बन पाए तो भाई सी बने, ऐसे उसने प्रेफरेंस कर दी। मतलब जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे उन सब के लिए ऐसे रैंक वाइज हर एक पर्सन को अरेंज करना पड़ेगा, और ये सीक्रेट बैलेट से होती है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या रैंकिंग दी है। तो भाई ऐसे करके सारे कैंडिडेट्स ने रैंकिंग दे दी। अब हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंकिंग को नहीं गिनेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, हम सिर्फ फर्स्ट रैंकिंग को गिनेंगे। तो भाई जब हमने फर्स्ट रैंकिंग को गिना तो तब हमारे सामने ये रिजल्ट आया, सिर्फ फर्स्ट रैंकिंग को, ए को मिले इतने वोट, बी को इतने, सी को इतने, डी को इतने। यहां पर टोटल वोट्स मैंने 10,000 अज्यूम किए हैं, ठीक है, 10,000। तो भाई जो हमारा सिंपल सा सिस्टम है उसके हिसाब से कितने वोट वाला बंदा जीतेगा, जिसको भी 5,001 वोट मिल गए वो इंसान प्रेसिडेंट बन जाएगा, 5,001 वोट जिसको मिल गए। तो भाई यहां पर तो 5,001 किसी को भी नहीं मिले हैं, ठीक है, ए को सबसे ज्यादा मिले हैं लेकिन 5,000 तो नहीं मिले हैं। अब क्या करें, ऐसे तो कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। अब आएगा असली मजा, अब हम क्या बोलेंगे, अब हम सबसे कम वोट बताओ किसको मिले हैं, सबसे कम वोट मिले हैं जी सी को। अब हम सी को बोलेंगे देख भाई तेरे तो प्रेसिडेंट बनने के कोई भी चांसेस नहीं है, सबसे कम वोट तेरे को आए हैं, सबसे कम तेरे को लोग प्रेफर करते हैं, तो तुम भाई रेस से बाहर हो जाओ। हमने सी को रेस से बाहर निकाल दिया, ठीक है। सी के पास कितने वोट हैं ध्यान रखिएगा, 1200, सी के पास 1200 वोट हैं। अब हम क्या करेंगे इसके आगे देखिएगा, इसके आगे हमने सी को बाहर निकाल दिया, अब एक और इंसान है, कुछ सी के पास 1200 वोट थे ना, तो 1200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, ऑफ कोर्स तभी तो सी को 1200 वोट मिले थे। तो मैंने ऐसे ही एक बंदे का आपको बैलेट पेपर दिखाया है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है कि भाई सी को उसने पहले रैंकिंग दी थी, बी को दूसरी, ए को तीसरी और डी को चौथी, लेकिन अब हमने सी को तो रेस से निकाल दिया। तो अब क्या होएगा, अब होएगा देखो ये कि भाई जिन जिन लोगों ने सी को पहली वोट दी थी उनकी पहली वोट को काट देंगे, क्योंकि सी अब रेस में है ही नहीं। जिसको भी उसने दूसरी वोट दी थी वो उसकी फर्स्ट मानी जाएगी, जैसे बी को सेकेंड प्रेफरेंस पे उसने रखा था ना, तो बी फर्स्ट प्रेफरेंस पे आ गया क्योंकि सी तो बन ही नहीं सकता। ए जो है वो सेकंड प्रेफरेंस पे आ गया और डी जो है थर्ड प्रेफरेंस पे आ गया। अब क्या होगा, अब जरूरी नहीं है ना कि बी को ही फर्स्ट प्रेफरेंस पे चूज किया होगा, जो भी 1200 बंदे थे उन सब ने, कईयों ने ए को चूज किया होगा, कईयों ने डी को चूज किया होगा सेकंड नंबर पर, तो वो 1200 वोट भी बट जाएंगे आपस में, वो 1200 वोट भी आपस में बढ़ जाएंगे। तो सपोज वो 1200 वोट आपस में बटे और उसके बाद ये सिचुएशन आ गई, ठीक है, क्या हुआ कि ए को मिले 4600, बी को मिले 3100 और यहां पर सी को हमने निकाल दिया था, तो ये है जी डी, डी को मिले जी 2300 ओवरऑल,
अभी भी ये टोटल 10,000 वोट हैं और फिलहाल भी 5,000 प्लस एक किसी को नहीं मिले। अब क्या होगा? अब तो आप जान गए होंगे क्या होगा। अब भाई डी को सबसे कम मिल रहे हैं, तो ऐसे 2300 इंसान हैं जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी है फिलहाल। अब हम डी को भी कैंसिल करेंगे कि हटाओ भाई, डी को हटाएंगे कि भाई वैसे भी तू प्रेसिडेंट नहीं बनना है, तो क्या होएगा? ये 2300 वोट इन दोनों में आपस में बटेंगे, ऑफ कोर्स बटेंगे। जिन्होंने भी डी को फर्स्ट चॉइस दिया है उसकी फर्स्ट चॉइस को काट देंगे और जो भी उनकी सेकंड चॉइस है वो उनकी फर्स्ट चॉइस मानी जाएगी। तो सपोज ऐसा हमने किया, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ए को मिल गए 5700 वोट और बी को मिल गए 4300 वोट। टोटल 10,000 वोट है और ए को 5,000 प्लस एक इतने वोट मिल गए। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? इसमें बहुत कम चांस हैं कि भाई जिसको कम वोट पड़ रही हैं या फिर जिसको कम लोग चाहते हैं किसी कारण वो जीत जाए, ठीक है? तो भाई, और इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वोटिंग है वो ट्रांसफर हो जाती है, जो प्रेफरेंस है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो अब ए को 5,000 एक से ज्यादा वोट मिल गए तो अब क्या होगा? तो क्या होगा भाई? सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि ए प्रेजिडेंट बन गया है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दो। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आपको जितने भी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की हैं वो क्लियर हो गई हैं। और यार इसको ज़रूर शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू। फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर।